नमस्कार दोस्तों, मैं करनेश कौशल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ हाइवा का लेफ्ट साइड का जजमेंट करने सिखाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल पूरा सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हाइवा का लेफ्ट साइड का जजमेंट को कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोग हाफ वीडियो को देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, बिल्कुल आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं अपना इंडिका को सेल नहीं किया हूँ। काफ़ी लोग आप कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने अपने इंडिका को सेल कर दिया क्या, लेकिन मैं दोस्तों अपना इंडिका को सेल नहीं किया हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग अपना कार को बेचना चाहते हैं, इस लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हो रहा है दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना कार को बेचना चाहते हैं लेकिन वो डीलर के पास जा नहीं पा रहे हैं COVID-19 के कारण। लेकिन दोस्तों, अगर अपना कार को बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल घर बैठे अपना कार को आप बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं, चलिए दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं हम। देखिए, Cars24 एक कंपनी है जिससे कि आप अपना कार को बेच सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप लोग अपना कार तो बेचना चाहते हैं लेकिन बहुत जगह भटकते हैं, बहुत सारे डीलर के पास जाते हैं और आप लोग अच्छा प्राइस नहीं मिलता उस जगह पे, और आप लोग कोई भी डीलर को बेच देते हैं कार, तो RC ट्रांसफ़र आपको खुद से करवाना पड़ता है। लेकिन Cars24 में अगर दोस्तों अगर अपना कार को बेचिएगा तो बिल्कुल RC ट्रांसफ़र कराने का कोई भी टेंशन नहीं है। Cars24 में बेचने का क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं हम। इसका बहुत सारा एडवांटेज है। पहला बात कि आप घर बैठे आप अपने कार को बेच सकते हैं सिर्फ 3 स्टेप में। पहला स्टेप है दोस्तों, घर बैठे अपना लैपटॉप से या मोबाइल से आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। दूसरा स्टेप है, वो लोग खुद आपके घर पे आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आपका पूरा सेफ्टी के साथ COVID-19 का, ठीक है, और आपके कार को बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करेंगे और आपको एक अच्छी वैल्यू बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कार को बेचिए, अदरवाइज नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, सर आप बार बार फोन नहीं किया जाएगा, बार बार फोर्स नहीं किया जाएगा, सर आपका कार को दे दीजिए, सर ये प्राइस दे रहे हैं, वो प्राइस दे रहे हैं, वो कोई भी किचकिच नहीं होता है। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों Cars24 में कि आपको अच्छा प्राइस मिलता है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, बहुत सारे डीलर साहब पता कीजिएगा, आपको अच्छी प्राइस मिलेगा। कई बार तो आप लोग डीलर्स को बेच देते हैं लेकिन अमाउंट में दिक्कत होता है और 2-3 महीना लग जाता है पैसा देने में। बहुत सारे डीलर्स ये करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट से आपको पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये है दोस्तों, आपको RC ट्रांसफ़र करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। Cars24 वाली आपको RC ट्रांसफ़र खुद से कर देंगे, आपको कहीं जाने का टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको गाड़ी का ओनर बुक दिखा देना है, RC ट्रांसफ़र आप लोग खुद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ 3 स्टेप में दोस्तों अपने कार को आप घर बैठे बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कार को बेचना हो तो आप अपॉइंटमेंट कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग घर बैठे अपॉइंटमेंट कर लीजिए। ये चीज़ आप वहाँ Cars24 में भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा। अभी COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है जिसके कारण आप घर बैठे ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर अपना कार को अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं और अपने कार को घर बैठे बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम गाड़ी पे चढ़ चुके हैं और यहाँ इस गाड़ी पे चढ़ के आपको बिल्कुल समझाने वाला है कि हाइवा का लेफ्ट साइड जजमेंट को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको गाड़ी को ऐसी जगह पे लेके जाना है जिससे कि आपका टायर का निशान छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे मिट्टी है, मैंने गाड़ी को आगे पीछे किया तो वहाँ पे टायर का निशानी आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इस तरह का फील्ड पे लेके जाइए जहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, और आप लोग गाड़ी को थोड़ा सा पहले आगे कर लीजिएगा, उसी पर हल्का सा फिर पीछे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपका लेफ्ट साइड का टायर जो है किस जगह पे था और राइट साइड का जो टायर है वो किस जगह पे था। तो यहाँ पे आपको हम एक छोटा सा डेमो करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपको जज करना है कि लेफ्ट साइड जजमेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ मिट्टी है, तो अगर हम टायर को ले जाएंगे वहाँ पे गाड़ी को तो वहाँ टायर का हमारा निशान छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। उसका फिर हल्का सा हम गाड़ी को फिर से रिवर्स ले आएंगे। तो गाड़ी को हम यहाँ से सबसे पहले आगे कर लेते हैं। देखिए गाड़ी हमारा उतर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर से गाड़ी को हम रिवर्स कर लेंगे।
तो दोस्तों एक्चुअली वहाँ पे हम किए तो आप लोग टायर का निशानी जो वहाँ पे है बहुत ज़्यादा टायर का निशानी था, उससे आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर से क्या किए, गाड़ी को हम रिवर्स करके फिर से राइट सेट कर दिए गाड़ी को, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम करके दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी फ्रेश है। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पर रिवर्स करते हैं। गाड़ी बिल्कुल उतर गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम रिवर्स कर लेंगे गाड़ी को। तो देख सकते हो दोस्तों, ये रहा मेरा टायर का लाइनिंग, ठीक है। अब आपको उतर के समझाने वाला है कि किस तरह से आपको फिर से जज करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि टायर का लाइनिंग बिल्कुल छोड़ता हुआ आया गाड़ी, ठीक है। और ये टायर का निशानी था यहाँ पे, ये पॉइंट था एक, ठीक है, ये वाला पॉइंट था एक, जो कि आगे वाला चक्का था। और पीछे का जानते हैं कि जैसे ट्रक में दो चक्का रहता है पीछे में, तो उसका भी एक टायर का निशानी छोड़ता हुआ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे इस टायर को, ठीक है, इस टायर को निशानी को देखेंगे, और हम लोग देखेंगे इस साइड में इस टायर को, इस टायर पर, सॉरी इस टायर वाला, ठीक है, ये वाला टायर था। तो मतलब ये वाला पॉइंट को हमको देखना है दोस्तों, और ये वाला पॉइंट को देखना है। तो इसी पॉइंट पे हमको मेजरमेंट करना है कि किस जगह पे हमारा गाड़ी मतलब सही प्रॉपर तरीके से आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हल्का से अब क्या करेंगे, गाड़ी को हम आगे बढ़ा लेंगे। हल्का से क्या करेंगे, गाड़ी को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा टायर किस जगह पे था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट करना है स्टीयरिंग से। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम ट्रक चला रहे हैं तो काफ़ी इसका ब्रॉड एरिया होगा, मतलब काफ़ी चौड़ा होगा, आगे जो विंडशील है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये हमारा राइट साइड का जजमेंट यहाँ पे है और लेफ्ट साइड का जजमेंट हमारा वो वाला पिलर है, बी वाला पिलर, ए वाला पिलर लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल वो वाला टायर की जो निशानी है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका टायर था कहाँ पे, यहाँ पे। तो कैसे आपको जजमेंट करना दोस्तों, जैसे कि आप गाड़ी को चला लिया, आगे पीछे कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, देखिए एक कपड़ा से समझाते हैं आपको हम। देखिए वहाँ पे टायर हमारा था राइट साइड वाला, तो उसके हिसाब से हमारा बिल्कुल स्टीयरिंग पे आ रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल स्टीयरिंग के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला जो टायर था बिल्कुल वहाँ पे है, देखिए दोस्तों वहाँ पे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा टायर का जो जजमेंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, स्टीयरिंग से हल्का से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कपड़ा रख सकते हैं, जिसे रख दिए हम, तो ये हम समझ गए कपड़ा देखने से दूर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हमको बिल्कुल अंदाजा मिल रहा है कि इससे हम जज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग सेम प्रोसेस होता है ट्रक में भी, जिस तरह कार में होता है कि आपका स्टीयरिंग से बिल्कुल जजमेंट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस आपका यहाँ भी है, ठीक है। ये थोड़ा सामने है, अगर आप थोड़ा सा दूरी पर देखिएगा तो बिल्कुल आपको स्टीयरिंग कहीं ये आपको स्टीयरिंग से ही आपको जजमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल कार का प्रोसेस सेम है, बट दोस्तों इसमें और एक चीज़ क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रक है और ये ट्रक काफ़ी लंबा होता है, पीछे लंबाई होता है, जिसके कारण हमको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, काफ़ी दूरी पर चलाना पड़ता है, डाला को बचाना पड़ता है, ठीक है, शीशा को बचाना पड़ता है, इस साइड वाला शीशा को, ओवरबी मिरर को बचाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा और जगह चाहिए, उसके बाद ही हम गाड़ी को चलाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, फिर से हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर लिया हम, अब गाड़ी को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि इधर वाला जो मिरर है, ठीक है, ये मिरर थोड़ा काफी निकला हुआ रहता है, तो हम क्या करेंगे, एक ढेला ले लिया है पत्थर, ठीक है। अब इस पत्थर को इस वाले पॉइंट से, बिल्कुल इस वाले पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना है, तो गिरा कहाँ पर, वहीं पे गिरा है, यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब उस साइड में उसी तरह आपको लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। इससे आपका दो काम हो जाएगा दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का एरिया नहीं है तो इस तरह से भी आप जजमेंट कर सकते हैं,
दो ढेला लाना है, क्योंकि इससे देखिए ये वाला अगर गाड़ी ये वाला पॉइंट पार हो गया तो पूरा गाड़ी बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ढेला छोड़ेंगे। तो देखिए वहाँ पर आ गया, तो दो ढेला को वहाँ पर रख दो। चलिए हम गाड़ी को फिर से पीछे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी को पीछे कर दिए, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि वो ढेला किस जगह पे है, जो पत्थर है तो ढेला बोलते हैं आप लोग, हम लोग अपना लेग में, सॉरी इसके लिए, ठीक है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं वो जो तो पत्थर है, तो वो वाला पत्थर कहाँ कहाँ पे है वो चीज़ आपको जज करना है। तो वो उसके हिसाब से हमारा फिर से हमारा स्टेयरिंग पे सही आ रहा है, और इधर वाला जो पत्थर है वो थोड़ा सा हमारा स्टेयरिंग से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मतलब एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना है, कार में तो बिल्कुल आसान है कि स्टेयरिंग से जज कर लीजिएगा, लेकिन आपको ट्रक में स्टेयरिंग से जज करना आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों, वो चीज़ आपको बताते हैं हम, क्योंकि ट्रक थोड़ा लंबा होता है, कार हमारा छोटा होता है, और कार का जो विंडशील्ड होता है थोड़ा इस तरह से होता है, कनकेव बोलते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा कनकेव नहीं, ये थोड़ा फ्लैट में है इसका मिरर, जिसके कारण हमें थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है कोई भी चीज़, ठीक है। और वो कार का जो मिरर होता है आगे वाला विंडशील्ड होता है वो कनकेव होता है, कनकेव, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, तो वो थोड़ा सा सामने दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल दिख रहा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, ट्रक में क्या करना दोस्तों, हमेशा आपको जो केबिन होता है आपका ट्रक का जो केबिन होता है, ठीक है, पूरा बिल्कुल मेजरमेंट करना है बीच से, देखिए यहाँ से, ठीक है, बीच से आपको मेजरमेंट करना है, और ये वाला पॉइंट पे आपको रख देना है एक कपड़ा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड जजमेंट आपका प्रॉपर रहा, ठीक है। स्टेयरिंग तो आपका है ही, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा तो आपका लेफ्ट साइड में कभी भी कोई भी चीज़ टकराने का डर नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस हाईवे का हम ड्राइव करने वाले हैं रोड पे। देख सकते हैं वहाँ पे रोड है, रोड पे काफ़ी गाड़ी चल रही है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कोई भी ट्रक या हाईवे है तो उसके पीछे चलने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, उस जिससे कि आप बिल्कुल मेजरमेंट को समझ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम ड्राइव करते हैं मेन रोड पे। तो क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी को रोड पे ले जाना है, और कोई भी रोड में दोस्तों देख सकते हैं कि बीच में एक लाइनिंग रहता है, तो वो लाइनिंग और इधर वाले जो लाइनिंग है उसके बीच में हमेशा आपको चलाना है गाड़ी को, ठीक है। अगर आपका कोई साइकिल वगैरह चल रहा है या कोई मोटरसाइकिल चल रहा है तो वहाँ पे आपको सावधानी हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रक है, थोड़ा सा लंबा गाड़ी है, जिसके कारण हमेशा आपको संभाल के चलाना है। कार में क्या होता है, मोटरसाइकिल भी चलाता है तो उसी के बीच में हम पार कर लेते हैं, लेकिन ट्रक में दोस्तों आपको कभी भी वो चीज़ मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आपको ड्राइव करके दिखाते हैं लेफ्ट साइड जजमेंट करके, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली पहला बात तो कि ये स्टेयरिंग से हम जज करते हैं, तो आपको सामने से थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए डिवाइडर उधर है, ठीक है, बिल्कुल हम सामने नज़दीक लगे हैं, आप देख सकते हैं, और आपको सटा के दिखाएंगे आपको हम, ठीक है, सामने करके दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल इतना सामने हो गया, ये वाला लाइनिंग में आ रहा है, देख सकते हैं उधर आपको देख रहे हैं, मिरर में आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा जगह बच रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपका मेजरमेंट हो रहा है, वो वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि बड़ा गाड़ी चला रहे हैं तो आप ट्रक में बिल्कुल बीच में रखिए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, बीच में आपको रेफरेंस पॉइंट लगा के आपको चलाना है। तो देख सकते हैं ये वाला जो कपड़ा रखे हैं बिल्कुल वहाँ पे आपको टायर का जो, सॉरी टायर बोल रहे हैं, वो जो डिवाइडर है उसके बिल्कुल लाइनिंग में जा रहा है, और आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अगर मिरर में, ठीक है, तो देख सकते हैं हल्का सा जगह बच रहा है। और इस चीज़ आप दोस्तों कर सकते हैं कि आगे दो चार पत्थर रख दें और उस पर आप बार बार गाड़ी को चढ़ा के ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब मेन रोड पे चलाते हैं और कोई ट्रक के पीछे चलाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब उतर लोग, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम अपने हाईवा को एक ट्रक के पीछे खड़ा किए हुए, ठीक है, जिससे कि आप लोग थोड़ा जज कर पाइएगा कि कितना जजमेंट होता है, क्योंकि ट्रक का भी लगभग विड्थ जो है, चौड़ाई जो है सेम रहता है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम गाड़ी को हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और आपको दिखाने वाले हैं। देखिए पहला बात कि इधर से देखिए आप, इस सेंटर से देखिएगा आप, देखिए मेरा जो
इस सेंटर से देखिएगा तो बिल्कुल हमारा जो ट्रक है बिल्कुल आगे वाला ट्रक के लाइनिंग में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ट्रक का नज़दीक सामने जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। और स्टेयरिंग का देखिए लेफ्ट साइड एडजस्टमेंट बिल्कुल आगे आओगे, यहाँ पे ट्रक सेंटर में है ना उसका है, देखिए। और इधर से भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल ट्रक सेंटर में है। तो ट्रक में क्या करना है दोस्तों, हमेशा आपको केबिन का बीच में आपको एक कपड़ा रखना है, मतलब बीच से आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। आपका केबिन का बीच से आपको मेजरमेंट करना है, वही होता है आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट। तो चलिए दोस्तों, आप ट्रक को हम ड्राइव करके दिखाते हैं रोड में। तो दोस्तों, अभी हम ट्रक को रोड के साइड में खड़ा किए हैं और कोई ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। कोई अगर ट्रक आ जाए हमारा आगे तो उसका पीछे पीछे हम जब चलेंगे तो बिल्कुल आपको समझा सकते हैं उसके थ्रू हम कि कितना लेफ्ट साइड जजमेंट लगता है गाड़ी में, ठीक है। तो एक देख सकते हैं कि पीछे ट्रक आ रहा है, तो हल्का सा गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं, उसको पार होने देंगे, उसको आगे जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम अपने ट्रक को देखिए, एक ट्रक आ रहा है, आए वाह, ठीक है। तब इसका पीछे पीछे हम जाने का कोशिश करेंगे जिससे कि हम पूरा अच्छी तरह से जज कर पाएंगे। बाइक वाला डिस्टर्ब कर रहा है, कैमरा करना है, थोड़ा बाइक वाले को पार होने देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, पीछे भी हमारा ट्रक है और देख सकते हो उस ट्रक का बिल्कुल हम लगभग लगभग वही सेंटर पे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब बाइक वाला साइड होगा तो हम ना कर पाएंगे कुछ, उसके लिए सेंटर पे जा रहा है ट्रक, हाँ। एक्चुअली यहाँ पे रोड भी बहुत काफ़ी ख़राब है और बाइक वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। ट्रक काफ़ी स्पीड जा रहा है तो उसको जाने देते हैं, और पीछे भी एक ट्रक है उसका वेट करते हैं हम, क्योंकि वो ट्रक आगे बढ़ गया बाइक वाले के कारण, मुझे उसका हम सामना नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस ट्रक को जाने देते हैं और इसका पीछा करते हैं हम। दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल उस ट्रक का सेंटर में है, ठीक है। और ये वाला लेफ्ट साइड जजमेंट जो है बिल्कुल वो फॉलो हो रहा है, देखिए सामने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम सेंटर में होगा, ठीक है, क्योंकि इसके रिफरेंस पॉइंट पे हम चला रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल अंदाजा लग चुका होगा, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है। थोड़ा नीचे लगा कैमरा। तो अभी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि उस ट्रक का बिल्कुल हम सेंटर पे ही चला रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। यही है लगभग लगभग मेन चीज़, तो स्टीयरिंग है। थोड़ा सा दूरी पे जब गाड़ी रहेगा तो आपको स्टीयरिंग से आपको जजमेंट करना है, जैसे कि हम यहाँ जजमेंट कर रहे हैं स्टीयरिंग से। देखिए इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ट्रक का जो टायर है लेफ्ट साइड का टायर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ नज़दीक जाता है, जैसे इसे नज़दीक जाता है तो उसके हम बिल्कुल केबिन के बीच में चले आएंगे, केबिन के जो बीच के रेफरेंस पॉइंट है उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टीयरिंग का बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट ये है, बिल्कुल ये स्टीयरिंग का रेफरेंस पॉइंट है, देख सकते हैं। सेम कार की तरह है लेकिन ये ट्रक है, जिसके कारण मुझे वो वाला रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब उस ट्रक वाले भाई को बाय बाय कर देते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पूरा बताने वाला है कि किस तरह से आपको जजमेंट मैंने किया, ठीक है। कोई भी गाड़ी आपका, कोई भी ट्रक आपका आगे है, बिल्कुल थोड़ा सा 10 कदम आगे है, तो उस वक्त आपको बिल्कुल स्टेयरिंग से जजमेंट करना है। लेफ्ट और राइट का जजमेंट आपको स्टेयरिंग में से करना है। जैसे कि राइट टायर, राइट साइड का जो टायर है बिल्कुल इस सेंटर पे है और लेफ्ट साइड का जो टायर है बिल्कुल इस सेंटर पे है। लेकिन दोस्तों जैसे ही गाड़ी आपका बिल्कुल जब सामने आ जाएगा, कोई भी चीज़ आपका सामने से मेजरमेंट कर रहा है, जैसे कि सपोज लेट की रोड को हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त हमको क्या करना है, स्टेयरिंग से मेजरमेंट नहीं करना है। उस वक्त हमको जजमेंट करना है बिल्कुल ई वाला रेफरेंस पॉइंट से, केबिन का बीच से का जो एक रेफरेंस पॉइंट रखेगा उससे आपको करना है रेफरेंस पॉइंट। जैसे जैसे आप दूरी पे जाइएगा वैसे वैसे सामने होते जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 10 कदम जब गाड़ी आपका आगे चलता है तो उस वक्त बिल्कुल हमको स्टेयरिंग के हिसाब से हमको गाड़ी को चलाना है। उससे हम जज करना है कि लेफ्ट और राइट का कहाँ पर टायर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपको जजमेंट करना है हाईवा में। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने मुझे काफ़ी मेहनत लगा, इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी पॉइंट में इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी कमेंट है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।